आज रोहतक सिविल अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे कर्मचारियों ने 6 महीने से वेतन न मिलने के चलते करी हड़ताल। मरीजों को हुई बहुत परेशानी। बाद में उच्च अधिकारियों के समझाने के बाद वह 2 महीने की सैलरी आ जाने के आश्वासन पर 2 दिन के लिए स्थगित करी हड़ताल। बात है तब हम उठ जाएंगे। आपका आश्वासन आश्वासन 6 महीने से आश्वासन चल रहा है ना, कर्मचारी सुन रहा है ना, ठेकेदार सुन रहा है। 2 महीने की आने के बाद हम यहाँ से उठेंगे, फिर हम कुछ सबर कर लेंगे आगे। क्या सहमत हो इस बात से? पहले दो चाहिए। एक बात बताओ, बैठने से काम चल जाएगा? तो वैसे भी काम नहीं चलेगा, भूखे तो वैसे ही मर रहे हैं। जब तक हम आपको ये अपनी रिक्वेस्ट नहीं बताएंगे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कैसे, किसने? 6 महीने से हम रो रहे हैं जी, हमें दे दो तनख्वाह, दे दे दो, कहाँ जाए। तो समाधान करने के लिए ही तो बैठे हैं, वैसे तो हो नहीं रहा मौखिक, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा हमारी। आप बैठे सर निकलवाने, हम आपके साथ जब कह दिया इस चीज के लग रहे हैं। आप ये बता दो आज आज के दिन आज, में आज देखो कल आ जाएगी? कल तो छुट्टी है, परसों आ जाएगी। अगर परसों ना आए फिर बैठ जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो खुद ही कह रहे हैं। क्या चला भाई आप लोग? मैं तो आपके साथ हो या जा रहे हो? ऐसा है भाई, हाँ आपने, मैं तो आप लोगों को पहले कह रहा हूँ, रोज आपके सामने कितनी बार कह रहा हूँ। एक बार डॉक्टर साहब की इस बात पे विश्वास करके तालियां बजाओ। ठीक होगा तो मैं आप लोगों के साथ चलूंगा। जी तो आज अभी आप लोगों ने हड़ताल करी, तो इसके पीछे क्या कारण रहे? कारण ये है कि जी हमें 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। हमने बार बार अधिकारियों को दिया, लेकिन ज्ञापन दिया कि जी हम भूखे मर गए हैं, 1-2 महीना तो चल जाता है, 6-6 महीने नहीं चलता। राशन वाला राशन नहीं दे रहा, बच्चे रो रहे हैं, तनख्वाह नहीं, उनकी वो एडमिशन का फीस नहीं दी जा रही। तो हमने इनको बार बार ये ज्ञापन दिया लिख के, ये मेरे पास मौजूद भी है, जो हमने CMO साहब को दिया कि CMO साहब हमारी मदद करो, और सबके साइन है, लेकिन इनके आश्वासन ही चलते रहे। आखिर में मजबूर हो के आज हमें बैठना पड़ा। आज CMO साहब ने ये कहा है, आज ही ये जवाब दिया इन लोगों ने, यहाँ के इंचार्ज ने, कि परसों तक हम तुम्हें 2 महीने की सैलरी दे देंगे। मैंने उनको कहा जी अब ये दो, इससे आगे हम फिर बैठने पे मजबूर हैं अगर आपने नहीं दी तो। अब देखो प्रशासन क्या करता। मैं तो मीडिया का बड़ा आभारी हूँ, मीडिया जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी होती है। मैं आप लोगों का बड़ा आदर तहे दिल से अपना शुक्रिया करता हूँ कि आप हमारी ये। तो आपने बताया कि इन्होंने कहा है कि आपको 2 महीने की सैलरी मिल जाएगी, तो टोटल अभी कितने महीने की पेंडिंग? 6 महीने की है पेंडिंग। 6 महीने की पेंडिंग है, ठीक है। तो अभी आगे आपका क्या स्टेप रहेगा इसको? आगे का स्टेप है, परसों तक हमने अधिकारी के कहने पे, इनके आश्वासन पे फिर हड़ताल ख़त्म कर दी है, क्योंकि जनता को हम तकलीफ नहीं देना चाहते। जी ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कत्याल है, इन लोगों ने मुझे सर्व समिति से प्रधान चुन रखा है। उनका मैटर था उनकी जो है सैलरी अभी तक उनके क्रेडिट नहीं की गई थी, उस बारे में उन्होंने अपना रोष प्रदर्शन किया था, और हमने अपनी अथॉरिटी से बात की है कि हमारे जो GS के जितने भी कर्मचारी थे उनकी जो है जल्दी से समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और कोशिश है कि आज हम इनका बिल अगर ट्रेजरी में चला जाता तो जितना बजट हमारे पास अवेलेबल होगा वहाँ पर, सिविल सर्जन साहब से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आज इनकी हम सैलरी का निपटारा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सैलरी इनकी जो है नवंबर ऑनवर्ड्स पेंडिंग है। हमारे यहाँ 121 एक एजेंसी के हैं और 15 एक एजेंसी के हैं।